फैजाबाद यात्री ने लूट का खुलासा 24 घंटे के अंदर किया। लुटेरा गिरोह का पूछकर पुलिस ने जहां एक साथी धर दबोचा, वहीं बुलोरो सवार दूसरा लुटेरो फरार होने में सफल हो चुका है। लुटेरे ने पुलिस का 21,000 रुपये पुलिस ने लुटेरों से 21,000 रुपये, 315 बोर का एक तमाचा और दो जिंदा कारतूस और बुलोरो संख्या UP 42 AT 2985 बरामद किया है। देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए बिलाल मोहम्मद की रिपोर्ट, फैजाबाद। आदमी थे जनपद बस्ती के, उनको बस्ती जाना था। प्रायः ये घटनाएं होती रहती हैं, कुछ केसेस अनरिपोर्टेड हैं, लोग आते नहीं हैं, FIR वगैरह कराने के हम झंझट भी पड़ जाएंगे। उसमें एक अच्छी बात है, उन्होंने गाड़ी नंबर देख लिया था और वो करीब 12:30 बजे घटना थी। 3:30 बजे मुझे पता चला, 4 बजे मैंने उन्हें वो मुकदमा नहीं लिखवाना चाहते थे, लेकिन 100 नंबर पर वो कॉल किए थे तो कॉलर का नंबर उसमें आ जाता है, तो हमने उनको कॉल करके बुलवाया, उनसे एप्लीकेशन लेके फिर रात में मुकदमा लिखवाया और रात में ये गाड़ी बरामद हो गई थी। और उसके दूसरे दिन अभी देखिए, आज अनिल पाठक जो पकड़े गए हैं पटकौली के दर्शन नगर के, पहले भी अयोध्या 394 में जेल जा चुके हैं, इनका बीकापुर से गैंगस्टर बन चुका है। और ये जो गाड़ी थी जिनकी, ये गंगौली गांव के रहने वाले पूरा करंदर के, उस समय 2 ही लोग थे गाड़ी में। अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी की जाएगी, निश्चित रूप से गिरोह होगा। ये लोग, एक बार और घटना हुई थी बोलोरो से रुपया दुगुना करने वाली साइजा तकुड़िया के पास, और ये घटना किए हैं, उसमें था तो मात्र 4200 रुपया ही, लेकिन ये घटना जो थी इसलिए लूट 392 IPC लिखवाया था। ये घटना वर्कआउट हुई है, बड़ा अच्छा काम किया IC फतेहगंज में, COCT साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया और पूरा ये क्षण प्रतिक्षण इनका इसमें पर्यवेक्षण चलता रहा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये केस भी वर्कआउट हुआ, गाड़ी भी बरामद हो गई, मुजरिम भी पकड़ा गया, कुछ पैसा भी बरामद हुआ है, एक तमंचा भी बरामद हुआ है। इसमें 10,000 रुपया IC फतेहगंज और जो टीम पूरा कलंदर की लगी थी उसमें नगद इनाम देने के लिए SSC महोदय मेरे द्वारा संस्तुति भी की गई है, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इससे एक अच्छाई ये है कि इस तरह घटनाएं जो होती हैं बाईपास, तो उससे काफ़ी अंकुश लगेगा।